रखा गया, मैं आप थोड़ा सा उस पर बिंदु डालते हैं बाबू जी। बाबा गया जी का भात और गया जी का भंडारा हो। गया है कौन, किसके लिए ये सब कार्यक्रम रखा जाता है दोस्तों? बता रहे हैं, ध्यान दें आप सब, ये कार्यक्रम किस लिए रखा जाता है? हमारे समाज में एक प्रचलित, बहुत दिन से भगवान की आस्था को रखते हुए प्रचलित प्रथा आज तक चली आ रही है। ध्यान दें, तर्ज मिला, कहना है परदेसवा गईला ना हमारे राजा, गईला ना हमारे राजा। ये तो ओरिजिनल है, लेकिन जिस समय भस्मासुर के वंश में गयासुर का जन्म हुआ बाबूजी, गयासुर महान प्रतापी राजा, एक दिन की बात है, बहुत बड़ी तपस्या किया, तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर लिया, भगवान विष्णु खुश हो गए बाबूजी। क्या कहना है? भगवान विष्णु प्रकट हो गए, कठोर तपस्या को देखकर गयासुर के सामने आए, कहा कि बोलो, मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हूँ, बोलो क्या चाहते हो? बाबा, हाँ प्रभु, आप मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो मेरी एक इच्छा है। भगवान ने कहा कि बोलो क्या कहता है? ब्रह्म बोले हैं विष्णु जी माना बचनिया, बोले हैं विष्णु जी माना बचनिया। गयासुर से जब उन्होंने कहा कि मांग लो जो वरदान मांगना है, गयासुर ने कहा महाराज, आप अगर मुझे देना चाहते हैं
तो मेरे इस शरीर को पवित्र कर दीजिए, मेरा शरीर जो भी छुए वो सीधा स्वर्ग जाए, सारे पाप उसके नष्ट हो जाए। भगवान ने एवमस्तु कह दिया, भगवान ने एवमस्तु कह दिया। आप आदरणीय धीरेन्द्र कुमार LIC एजेंट कुलई के पुरवा समाजवादी गीत के फरमाइश हो, 101 रुपये का पुरस्कार। नमस्ते भैया के, श्रा भैया हो जाइए समाजवादी गीत, लेकिन गीत हो जाए तो बाबा। भगवान ने वरदान दे दिया, जहीन के देखा हुआ जा गया, सुर का शरीर छुए सारा पाप नष्ट हो जाए, नरक में कोई जावे न करे, जेका देखा सब स्वर्ग में लाइन लगा दे, लाइन लगा दिए बाबूजी, मर भीड़ हो गए, स्वर्ग में भीड़ हो गए, ठेली की ठेला करे लगे एक दूसरे में, एकदम उत्पात मचा दिए लोग, मृत लोग के सारे लोग उत्पात मचाना शुरू कर दिए। देवता चिंतित हो गए, इंद्र तमाम देवता सब परेशान हो गए कि कहां से ही भरमार हो चली जाएगा। जब पता किए तो पता लगा गया सुर की शरीर पवित्र भगवान विष्णु ने किया है, और जो छूता है वो हमेशा के लिए स्वर्ग चला जाता है। अरे बाप रे, सब लाचार हो गए, भाग करके ब्रह्मा जी के पास गए। वो कहा, ब्रह्मदेव अगर ऐसे ही रहा तो हमारे शिष्य का कम खत्म हो जाएगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी से जाकर देवता कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले हैं ब्रह्मा से देवतन बचनिया, सारे देवता गए और ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए। शिव जी, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी सब लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई बाबूजी, और योजना बनाई कि चलो उसके साथ कुछ हल किया जाए, ऐसे नहीं मानेगा, वरदान कभी झूठा नहीं होता दोस्त। और जाकर भस्मासुर के उस वंशज से, गयासुर से उन्होंने एक का भाव कहे, परेशान है इतने, बोलो ना भाई। तो क्या करा जा, हाँ अपन काम करा, शांति से बैठा, शांति से बैठा, तुहरे हिसाब से काम न हो पाई, जो तुम्हारा काम उतना करा चला। और जब उन्होंने कहा कि आप मुझे कुछ दान दे दीजिए, उसने कहा, बोलिए महाराज मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। भगवान ब्रह्मा और शिव जी ने उससे उसकी शरीर को दान मांग लिया, कहा कि आप अपनी शरीर दे दो, आपका शरीर बहुत पवित्र है और इस पवित्र शरीर पर मैं विश्वव्यापी हवन करना चाहता हूं, पूरे विश्व का कल्याण होगा उस हवन से, और आपका शरीर पवित्र है, दुनिया में कोई ऐसा स्थान नहीं है। पवित्रता की वजह से उसने अपने शरीर को दे दिया, लेट गया और
उसकी शरीर फैल गई बाबूजी, भारी भरकम शरीर पर उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ करके सोचा कि इसकी शरीर स्थिर हो जाएगी और ये शांत हो जाएगा, लेकिन उसकी शरीर का हिलना बंद नहीं हुआ। और जब बंद नहीं हुआ भगवान विष्णु चढ़ गए उसकी शरीर पर और चढ़ गए तीन लोक का भार रख दिए बाबूजी। लेकिन फिर भी जब उसकी शरीर हिलना नहीं बंद हुई, बगल में रखी हुई एक बहुत बड़ी पत्थर की शिला उठा करके उसके सिर पर पटक दिया और रख दिया वहीं पर, अपने पांव से दबा दिया। गयासुर की शरीर शांत हो गई। उसने कहा प्रभु आपने एक कर लिया, आपका कार्य हो गया। भगवान ने कहा कि हाँ मेरा कार्य हो गया। कहा कि बोलिए क्या चाहते हो। गयासुर से भगवान ने कहा कि बोलो कौन सा वरदान दे दूं मैं, जो तुम्हारी मर्जी हो मांग लो। तब वो कहने लगा कि जो भी मेरे यहाँ आए उसके सारे पाप कट जाएं, सारे पाप नष्ट हो जाएं, उसके पूर्वजों का जितना पाप हो सब नष्ट हो जाए, यही मैं इच्छा रखता हूँ। भगवान ने वरदान दे दिया और तब से बाबूजी आज भी वहां पर जो कोई जाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पूर्वजों के सारे पाप नष्ट होकर पुण्य में बदल जाते हैं। यही गया के भात, गया जी के भात का यही महत्व है दोस्त। बाबा गीत का आखिरी लोग कहना है गुरुवर बिहारी की स्वर्गवासी भवले गया कभी अपने कलम से सजवले भैया। देखें आप सब अब अगली पार्टी से आनंद लें।